हाय गाइज, मैं हूं सुदीश और आप देख रहे हो सेवन सोल्स एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एससीओ के बारे में। अभी जो है न्यूज़ में आ रहा है, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड या आठवां अजूबा घोषित कर दिया गया है, दुनिया का आठवां अजूबा घोषित कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एट वंडर्स ऑफ एससीओ में जो है शामिल किया गया है, नॉट एट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। जो सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं उसमें इंडिया से ताजमहल को शामिल किया गया है, पर अब जो एससीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल कर लिया गया है। इसके ऊपर एस जयशंकर ने ट्वीट करके अप्रिशिएट किया एससीओ के एफर्ट को, अप्रिशिएटेड द एससीओज एफर्ट टू प्रमोट टूरिज्म अमंग मेंबर स्टेट। द एट वंडर्स ऑफ एससीओ व्हिच इंक्लूड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विल श्योरली सर्व एज एन इंस्पिरेशन। ये ट्वीट है एस जयशंकर, जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये 182 मीटर टॉल है और ये ट्रिब्यूट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे। ये स्टैच्यू जो है लोकेटेड है सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा इन केवड़िया कॉलोनी इन गुजरात। इसको डिज़ाइन किया गया है जो राम वनजी सुतार हैं, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 182 मीटर है टॉल है और ये 23 मीटर टॉल है चाइना के स्प्रिंग टेंपल बुद्धा, जो पहले जो है दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू थी, इससे जो है 23 मीटर ज़्यादा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि यूएस में है, जिसको कि फ्रांस ने जो है गिफ्ट किया था यूएस को, ये 93 मीटर टॉल है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है डबल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साधु बेट आइलैंड नियर राजपिपला नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है, सतपुरा और विंध्या माउंटेन रेंजेस के बीच में ये लोकेटेड है। और बाकी के जो एट वंडर्स ऑफ एससीओ हैं, तो इंडिया से तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, कजाकिस्तान से आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ तमागिली, ये है कजाकिस्तान से शामिल हुआ है। चाइना का देमिंग इंपेरियल पैलेस कम्प्लेक्स, इसको शामिल किया गया है। किर्गिस्तान से लेक इसिक कुल को शामिल किया गया है। पाकिस्तान से ग्रेट मुगल्स हेरिटेज एट लाहौर, इसको शामिल किया गया है। रशिया का गोल्डन रिंग सिटीज को शामिल किया गया है। तजाकिस्तान के द पैलेस ऑफ नौरोज को शामिल किया गया है। उज्बेकिस्तान का पोई कालोन कम्प्लेक्स को। तो ये आठ मेंबर स्टेट हैं एससीओ के और इनके हर कंट्री से एक कोई भी स्टैचू या कोई भी प्लेस, नेचुरल प्लेस या जो टूरिस्ट प्लेस है उसको शामिल किया गया। अब हम थोड़ा और जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्रिएशन हुआ था, अनाउंस किया गया था 15 जून 2001 को शंघाई जो कि चाइना में है। जब ये बना था तो उसमें मेंबर्स थे 6, अभी टोटल मेंबर्स हैं 8 और ये 8 मेंबर्स दो जो बढ़े हैं वो हैं इंडिया और पाकिस्तान। इससे पहले जो है एससीओ से पहले हुआ करता था शंघाई का 5 मैकेनिज्म और इसी को रिप्लेस किया ये एससीओ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर जो है वो साइन हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग, एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग हुई थी जून 2002 में। सेंट पीटर्सबर्ग जो है रशिया में है और ये जो चार्टर है 19 सितंबर 2003 से इफेक्टिव हो गया था। एससीओ के गोल्स क्या हैं? तो एससीओ के गोल्स हैं म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, नेबरलीनेस को मेंबर स्टेट्स के बीच बढ़ाना, इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और बाकी सारे एरियाज़ को प्रमोट करना, ज्वाइंट एफर्ट्स लगाना टू इंश्योर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, मूविंग टुवार्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर, रेशनल, न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये सब जो है सारे मेन गोल्स हैं एससीओ के।
जो एशियो का ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है रशियन और चाइनीज, दो ही हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखते हैं बॉडीज अंडर एससीओ, तो इसके अंदर दो बॉडीज हैं, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल HSC और दूसरा है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल HGC, गवर्नमेंट काउंसिल एंड स्टेट काउंसिल दो है। तो ये हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल जो है ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की, मतलब यही जो डिसाइड करेगी वही होगा। ये साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको एडॉप्ट किया जाता है। एससीओ का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल HGC ये भी साल में एक बार मिलती है और डिस्कस करती है क्या ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का मल्टीलेटरल कोऑपरेशन स्ट्रेटजी को, कैसे कोऑपरेट करना है, प्रायोरिटी एरियाज़ क्या क्या हैं, है ना, और जो भी करेंट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं और कोऑपरेशन इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना। ऑर्गेनाइजेशन के एससीओ का जो बजट है एनुअल बजट, उसका भी अप्रूवल कौन देता है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। एससीओ के दो परमानेंट बॉडीज़ भी हैं, एक है द एससीओ सेक्रेटारिएट जो कि बीजिंग में बेस्ड है और दूसरा है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स जो कि टास्केंट में बेस्ड है। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एससीओ रैट्स अपॉइंट किया जाता है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ स्टेट द्वारा, फॉर हाउ मच ईयर, 3 साल के लिए। एससीओ हेड्स ऑफ मीट जो है इंडिया में पहली बार इस साल होगा, मतलब 2020 में होगा, और इस बार इंडिया में हो रहा है तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है इस मीटिंग में हिस्सा ना ले। जो पाकिस्तान के हेड ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि इमरान खान या वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पे शायद ना आए। इसकी जानकारी जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने हमें दी कि इंडिया में जो है एससीओ की हेड्स ऑफ मीट होगी। रिसीव्ड सेक्रेटरी जनरल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन व्लादिमीर नोरोव जो है एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं और इनसे इनकी मीटिंग हुई है। रिव्यूड द प्रोग्रेस इन आवर कोऑपरेशन एज इंडिया प्रिपेयर्स टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरिंग द काउंसिल ऑफ एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब HGC का जो है इस बार मीटिंग कहाँ पे होगा, इंडिया में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसमें आपको समझ में आया होगा क्लियर कट कि एससीओ क्या है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का क्या कनेक्शन है एससीओ के साथ। इस वीडियो को एक लाइक कर देना और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।